कैसे धुलेगा तमसा का मैल, यह यक्ष प्रश्न पूरे जनपद के सामने खड़ा था। हर किसी की निगाहें भगीरथ के इंतजार में थीं और आखिरकार प्रशासन ने भगीरथ बध पहल की अभियान के रूप में जो शुरुआत की, उसका परिणाम रहा कि तमसा घाट घाट ठाव ठाव साफ व स्वच्छ होने लगी। जी हां, जिलाधिकारी के नेतृत्व में 3 जून से शुरू हुए तमसा सफाई अभियान का असर अब देखने को मिल रहा है। राजघाट पर तमसा को साफ व स्वच्छ करने के उपरांत बांगलगराव पुल क्षेत्र में तमसा को साफ करने का अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रखा गया। बुधवार को जिला प्रशासन के साथ यहां निरंकारी सेवा दल के सेवकों ने एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमसा को साफ किया। तमसा के जल में बाधक बन रहे सभी तत्वों को ढूंढ ढूंढ निकाल फेंका। इस दौरान कई सेवक चोटिल व घायल भी हो गए, जिनका इलाज सीएससी नगर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्यनाथ चक्रवर्ती के द्वारा किया गया। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने कहा कि तमसा सभी की है, इसे साफ रखना सभी की जिम्मेदारी है। ये स्वच्छता अभियान जो है जन सहयोग से चलाया जा रहा है और ये 3 तारीख से प्रारंभ किया गया है, जो लगातार चल रहा है और ये अंत तक चलता रहेगा। इसमें लोगों की सहभागिता बहुत अच्छी है और उसी से चल रहा है और निरंकारी के लोग हैं और उधर भारत रक्षा दल के लोग हैं और लोग भी हैं, सब लोग आ रहे हैं कर रहे हैं। जनता ये है कि ये तमसा सबकी है, सब लोग आवें और इसमें अपना सहयोग करें। संत निरंकारी सत्संग भवन के संयोजक इंद्र प्रसाद ने बताया कि तमसा को स्वच्छ रखने के लिए निरंकारी सेवक हर संभव सहयोग के लिए तत्पर हैं। हमारे निरंकारी सत्संग भवन के सेवा दल जो है आज आपकी सेवाओं में फिर आए, एक बार उपस्थित हुए हैं। पहली बार सोमवार को आए थे, 40-45 जवान के लगभग, आज भी लगभग उतनी संख्या में फिर जवान आए हुए हैं तमसा नदी की सफाई स्वच्छता अभियान में। हम सबको स्वच्छ रखना चाहिए क्योंकि ये जीवन दायिनी कही जाती है नदी को, ये जीवन रेखा हमारी इससे प्रभावित हो जाएगी यदि नदी साफ़ सुथरा नहीं रहेगी। और हम सबका दायित्व बनता है कि हम सबको आगे निकल करके इस नदी को साफ रखने का एक संकल्प जहां लेना चाहिए, वहीं एक जागृति भी प्रदान करनी चाहिए जन समुदाय में कि इसको गंदा करने से बचें। अभियान में सहयोग कर रहे समाजसेवी इंजीनियर रामनयन शर्मा ने इस दौरान पूरे अभियान में राजनीतिक दलों संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे अभियान के लिए जनता प्रशासन की आभारी है। पूर्वांचल में जो सफाई अभियान प्रारंभ हुआ है, विशेष रूप से प्रशासनिक आधार है और उसमें हमारे सामाजिक संगठनों ने विधिवत भाग लेना शुरू कर दिया है। यद्यपि कुछ अछूते हैं, फिर भी जो कुछ काज हो रहा है ये सराहनीय है, बहुत ही आकर्षक भी है, बहुत ही लाभदायक है। जितने भी संबंधित संगठन इससे हैं वो निश्चित रूप से आ रहे हैं, खासतौर से भारत विकास परिषद, भारत रक्षा दल, आपका पूर्वांचल विकास और हमारा संत निरंकारी और साथ ही रामदेव जी का संगठन, इसमें किसी न किसी रूप में पूरी तरह से जुड़ा हुआ सहयोग दे रहा है। और प्रशासनिक अधिकारी आज हमारे एडीएम साहब इसका नेतृत्व कर रहे हैं और जिन्होंने डीएम साहब ने कमिश्नर साहब ने किया ही किया, हम जनता यहाँ की बहुत आभारी है कि प्रशासनिक आधार पर यह पहल करने के नाते आम लोग जुड़ करके ये जीवनदायिनी तमसा नदी की सफाई करके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़ा उत्तम उत्तम कार्य कर रहे हैं और सभी बधाई के पात्र हैं। सफाई तो हो सकती है, आंशिक होगी, जनता के जुड़ने के बाद पूरी सफाई होने की संभावना है। केवल प्रशासन ही लगे इससे पूरी सफाई होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ती, जब तक आम जनता इसमें नहीं जुड़ेगी। संगठन जुड़े हैं धीरे धीरे, मेरा ख्याल आज 4th दिन है, अभी 5-6 दिन और बाकी हैं, और लोग जो अछूते हैं वो इसमें शीघ्र ही जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उन्हें फोन उन करके हमने भी बहुत प्रयास किया, उन्होंने जोड़ा है, आ रहे हैं और कल से मुझे उम्मीद है कि और काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे और ये पुनीत कार्य को पूरा करेंगे। ये आदर्श काम है और यह दूसरों के लिए बहुत अनुकरणीय है। हमारे पड़ोसी और जिले से मऊ है, बलिया और क्षेत्र हैं, ऊपर ही गंदगियां हैं, ये आजमगढ़ का ये मंडल मुख्यालय में जो कार्य हो रहा है नित्यंत अत्यंत सराहनीय है। विशेष रूप से जिलाधिकारी को बधाई दूंगा जिन्होंने इस पर पहल करके और सारे अधिकारियों को जोड़ा और ये उत्तम कार्य हो रहा है। आज आप सबका सहयोग, पत्रकार जगत का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, पेपर में पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो अभी कान में ले पड़े हुए हैं। आश्चर्य ये होता है कि राजनीतिक संगठन इसमें कोई भाग नहीं ले पा रहा, संयोग से क्या भावना उनकी है हम नहीं कह सकते, लेकिन खुल करके राजनीतिक संगठनों का जो मंच बना रहता है, यहाँ शायद मंच उनको नहीं मिल पा रहा है, शायद इसी भावना से कुछ अपनी बात नहीं कह पा रहे होंगे, नहीं आ पा रहे, उन्हें जुड़ना चाहिए।
पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को भेजना चाहिए, न ऊपर के लोग। ये सबका है, ये तामसा नदी सबकी है, ये जीवनदायिनी है, जीवन रेखा है, सारे लोगों की है। किसी जात धर्म मजहब से कोई मतलब नहीं, चोट वर से कोई मतलब नहीं, सभी इससे अनुप्राणित होते हैं, सभी से लाभान्वित होते हैं। और हम सब लोगों को मिल करके इस नदी को स्वच्छ बना करके, नगर को स्वच्छ बना करके लाभ उठाना चाहिए, और ये भविष्य के लिए निश्चित तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की संध्या पर भी पौधरोपण के कार्यक्रमों का आयोजन का दौर जारी रहा। पुलिस महानिदेशक के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि के नेतृत्व में पुलिस लाइन के परिसर में 100 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि ने कहा कि पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए पौधरोपण जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ रोपित किए गए सभी पौधों का संरक्षण किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के साहब के आदेश पर हम लोग जो है वृक्षारोपण कर रहे हैं, और पुलिस लाइन में काफ़ी पेड़ लगाए गए हैं। इसके अलावा थानों पर और पुलिस चौकियों पर भी काफ़ी आज पेड़ लगाए जा रहे हैं, और ये पेड़ लगाने के कार्यक्रम और कई दिन तक चलते रहेंगे। इन सभी पेड़ों को न सिर्फ हम लोग लगा रहे हैं बल्कि इनकी रक्षा भी करेंगे और इनकी देखभाल भी करेंगे, ताकि हम लोग इस पृथ्वी को हरा भरा करने में अपना योगदान दे सकें। वहीं दूसरी तरफ विश्व पर्यावरण दिवस की संध्या पर महिला मंडल के द्वारा भी पौधरोपण हुआ। महिला मंडल की टीम ने जिला चिकित्सालय के परिसर में पौधरोपण किया। सांसें हो रही हैं कम और पेड़ लगाए हम के संदेश के साथ यहां किए गए पौधरोपण के उपरांत संगठन ने संकल्प लिया कि सिर्फ पर्यावरण दिवस पर ही नहीं, हर विशेष मौके पर पौधरोपण कर पर्यावरण को सुदृढ़ किया जाएगा। आज ये पर्यावरण दिवस पे हम लोग पेड़ लगाने आए हैं यहाँ पे, और लोगों को संदेश भी देना चाह रहे हैं कि जो ये पेड़ कटते जा रहे हैं दिन पर दिन, और ये पूरे प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ चुका है, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, और जो इससे स्थिति इतनी भयानक हो जा रही है कि मतलब जो गर्मी बुरी तरह से पड़ रही है, पानी वानी बरस ही नहीं रहा है, और बीमारियाँ इतनी हो रही हैं कि ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम यही लोगों से संदेश देना चाहते हैं, पूरी महिला मंडल की टीम यही देना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, अपने अगल बगल से ही पहले शुरुआत करिए, अपने घर से ही शुरुआत करिए, तभी देश का भी विकास होगा, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमें ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी। चाहती हूँ कि आज पर्यावरण दिवस है तो सभी लोग पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। मेरा सबसे यही कहना है कि हर दिन आप लोग पेड़ लगाइए, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है कि हमें केवल एक दिन नहीं निश्चित करना है कि आज ही हम पेड़ लगाएं, बाकी साल भर हम लोग बैठे रहें। हर दिन हम कोशिश करें कि हम लोग कहीं ना कहीं पौधा सबको जागरूक करें कि सब लोग पौधे लगाएं, और हम लोग भी कोशिश करें कि हम लोग भी लगाते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें। जिले के सिधाई थाना के कटघर सुंदर नगर कॉलोनी में भूमि विवाद को लेकर कर 3 दिन पूर्व 25 वर्षीय संतोष पुत्र सोनूलाल को गोली मार दी गई थी। युवक की मंगलवार शाम अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद रात को शव को लेकर परिजनों ने घर के समीप आजमगढ़ बलिया राजमार्ग पर सिधारी क्षेत्र के शंकर जी तिराहे पर जाम लगा दिया। लोग नामजद लोगों की तुरंत गिरफ्तारी व मुआवजा की मांग कर रहे थे। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। करीब 3 घंटे तक जाम के बाद पुलिस ने फोर्स का दबाव बनाकर जाम खुलवाया। जाम हटने के बाद कॉलोनी व गांव में भी तनाव बरकरार था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सिधाई थाना क्षेत्र के सुंदरनगर कॉलोनी में 3 दिन पूर्व हमलावरों ने 30 वर्षीय संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय सोनीलाल को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस घटना में नामजद किए गए 4 आरोपियों में से किसी को भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
संतोष का भतीजा अपने मकान का निर्माण करा रहा था। भतीजे का अपने पटीदार मुन्नू से भूमि विवाद चल रहा है। वह मकान बनाने के लिए पटीदार के भूमि पर गिट्टी बालू गिराया हुआ था। पटीदार उसे अपनी भूमि पर गिराए गए गिट्टी बालू को हटवाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर उनमें रविवार की शाम को कहा सुनी हो गई। कहा सुनी के बाद पट्टेदारों ने असलहा कुल्हाड़ी व लाठी डंडा लेकर दूसरे पक्ष के घर पर पहुंचकर हमला कर दिया। हमलावरों की ओर से चलाई गई दो गोली लगने से संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं कुल्हाड़ी व लाठी डंडा से किए गए हमले में 17 वर्षीय लाची देवी पत्नी स्वर्गीय मुन्नीराम व उसकी बहू घायल हो गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। गोली से घायल युवक को शहर के सिधारी स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। इस घटना के संबंध में मृत संतोष के चचेरे भाई धीरज प्रदर्शी ने दूसरे पक्ष के मनुराम, उसके पुत्र मनोज, रवि व वेद प्रकाश के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये सिधारी में परसों एक झगड़ा हुआ था, उसमें एक व्यक्ति के गोली लगी थी, वो आज एक्सपायर हो गया है अस्पताल में। उसका पीएम करा दिया गया है और परिजन लोगों का थोड़ा सा रोष था कि अभी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की गई है। इसमें एक पिता और तीन उसके बेटे नामजद हैं। परिजनों में रोष था, उनको समझा बुझा के डेड बॉडी को घर भेज दिया है और इसमें गिरफ्तारी बहुत जल्दी सुनिश्चित की जाएगी और साथ में हम लोग इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई कराएंगे। इसमें कोई भी दोषी जो भी व्यक्ति है वो कोई भी इसमें छूटेगा। आजमगढ़ को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मिली पीजीआई चक्रपाणपुर की सौगात को छीनने का कुचक्र रचे जाने का आरोप लगाते हुए गांधीगिरी टीम ने बुधवार को मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। गांधीगिरी टीम का कहना था कि मेडिकल कॉलेज से 40 स्टाफ नर्सों का तबादला कर दिया गया और अब यहां से मेडिकल की सीटों को भी हटाया जा रहा है। इसी के फलस्वरूप राजकीय मेडिकल कॉलेज के अगले सत्र की सीटों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। गांधीगिरी टीम का कहना था कि मेडिकल कॉलेज को निष्क्रिय करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान टीम ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंप मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को हटाने व यहां के दुर्व्यवस्थाओं को दूर किए जाने की उनसे मांग की। जो यहाँ पे हमारा चक्रपाणपुर पीजीआई है, जो पिछले एक महीने से हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो 40 स्टाफ नर्सों का तबादला से लेकर के वहाँ जो कमियाँ थीं, अभी उसके लिए हम लोग संघर्ष कर ही रहे थे कि एक सूचना और आती है लखनऊ से, जो कि ये होता है कि जो 100 सीटें जो MBBS की यहाँ पर दी गई हैं जो राजकीय मेडिकल कॉलेज में, उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है पूरे आजमगढ़ की जनता के लिए कि जो भी चल रहा था थोड़ा बहुत उसको भी ख़त्म करने की और निजीकरण करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, जबकि उस खबर में ये दिखाया जाता है कि MCI के मानक को पूरा न करने की वजह से यहाँ की 100 सीटें को ख़त्म कर दिया जाता है। 8 महीने पहले यहाँ पे MCI मानक के अनुसार 95% चीज़ें बिल्कुल सही थी, लेकिन आज की डेट में जो प्रधानाचार्य की यहाँ नियुक्ति हुई है, जो सिर्फ बोलते हैं काम कुछ नहीं करते हैं, वो 95% घट करके 45% पे आ गया है, जिस वजह से यहाँ की 100 सीटों को ख़त्म किया जा रहा है। निश्चित तौर पे इस चीज़ को लेकर के हम लोग आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि या तो प्रधानाचार्य का यहाँ से ट्रांसफ़र करके नए प्रधानाचार्य को लाया जाए, या तो फिर यहाँ के 100 सीटें जो ख़त्म कर दी गई उसको फिर से कर करके बाकी जो अस्पताल की और भी दुर्व्यवस्थाएँ हैं उसको निश्चित रूप से सुदृढ़ करके आजमगढ़ की जनता के साथ इंसाफ किया। आजमगढ़ पुलिस का बदमाशों पर इस कदर खौफ है कि 75,000 के इनामी अपराधी दीपक यादव ने मंगलवार को स्वीपर का वेश धारण कर हाथ में झाड़ू ले सुबह 5 बजे कोर्ट में समर्पण कर दिया। पुलिस को इसकी काफ़ी दिनों से तलाश थी। पुलिस की एक टीम कोर्ट के बाहर भी तैनात थी, लेकिन उसे चकमा देते हुए इनामी बदमाश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। न्यायाधीश ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इस पर आजमगढ़ पुलिस ने 50,000 और गाजीपुर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था।
मेहनगर थाना क्षेत्र के मालपार गांव निवासी दीपक यादव शातिर अपराधी है। इसके खिलाफ मेहनगर, तरवा, गंभीरपुर समेत विभिन्न थानों में रंगदारी हत्या, जानलेवा हमले जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 31 मई को तरवा के खरियाने में हुई मुठभेड़ में इसके साथी पवन दुबे और चंकी पांडे पुलिस की गोली से घायल हो गए थे, जबकि दीपक यादव भागने में सफल रहा था, तभी से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। एक्चुअल एक दीपक यादव बड़ा कुख्यात अपराधी है हमारे जनपद का, थाना मे नगर का। उसके 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित था पूर्व से, और थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर में भी उसने हत्या और लूट किया था, वहाँ से भी इस पर रिवार्ड घोषित किया गया था। हमारी पुलिस टीम, हमारी स्वाट की टीम लगातार लगी हुई थी इसके पीछे। आज भोर में 5:00 बजे झाड़ू लेकर के स्वीपर बन के कोर्ट परिसर में दाखिल हो गया, और चूँकि मॉर्निंग कोर्ट थी 7 बजे से जज साहब बैठे अपने चैम्बर में, वैसे कोर्ट नंबर 14 में सबसे पेश हो गया उनके कि साहब मुझे इनकाउंटर हो जाएगी, हमको बचा लीजिए। तो इस तरह से एक बड़ा कुख्यात बदमाश था जो पुलिस के भय से आज सरेंडर हुआ है। उस पर एक अच्छा रिवार्ड था और अच्छा क्रिमिनल था वो। हम लोग उसको PCR पर ला के उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो रिकवरीज करनी हो हम लोग करेंगे। इसमें एक अंतर्जनपदीय बदमाश था और जिसका बड़ा आतंक था गाजीपुर और गाजीपुर के सीमांत डिस्ट्रिक्स में। 50,000 रुपये इनाम हमारे यहाँ DIG महोदय की तरफ से घोषित था जमुना रेंज में, और 25,000 रुपये वहाँ घोषित था जनपद गाजीपुर से। कुल मिला के 75,000 का रिवार्ड इसके ऊपर घोषित किया गया था, और अभी लगातार ये बदस्तूर क्राइम कर रहा था। पिछले दिनों हमारे यहाँ इनकाउंटर हुआ था, इसमें इसके 2 साथी गोली लगने से घायल हुए थे, पंकज दुबे और चंकी पांडे गिरफ्तार हुए थे। 2 फरार हुए थे, सोनू सुफियान और दीपक मालपार। सोनू सुफियान भी रिवार्डर बदमाश था, वो भी बहुत कोर्ट भाग के हाजिर हो गया, और हमारे जो है टीमें लगी हुई थी न्यायालय के आसपास, किंतु चकमा देकर के आज भोर में 5:00 बजे झाड़ू लेकर के स्वीपर बन के चला गया कोर्ट में, और जज साहब के सामने सरेंडर कर गया। ये करीब इससे अभी तो लगातार मुकदमे हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कम से कम 6 मुकदमा भी वांटेड था। ये 4 मुकदमे हमारे जनपद में वांटेड था, 1 मुकदमा था गाजीपुर, वहाँ से वांटेड था ये, और उसी पर इसके ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 5 जून को पुलिस की मदद से छात्रों को मारपीट कर जेल में बंद करने के विरोध में सिबली व DAV कॉलेज के छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने कहा कि जो वहां पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हें साजिश के तहत हॉस्टल से निकाला जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष, महामंत्री व अन्य छात्रों को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो यहाँ के छात्र संगठन बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका गया है, और हम लोग इसलिए उनका पुतला फूंके हैं क्योंकि उन्होंने जो छात्रों की कल गिरफ्तारी करवाई है पूरी तरह से अवैध है उनकी गिरफ्तारी, और हम चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए क्योंकि सामने छात्रों का एग्ज़ाम है। वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहने वाले लड़के वही नहीं है कि जो हॉस्टल में रहते हैं और सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ प्रतियोगी छात्र भी रहते हैं इलाहाबाद के हॉस्टलों में, तो हम वो रह के वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं। अभी सामने TGT का एग्ज़ाम है, फिर IAS का, PCS का एग्ज़ाम है, तो अगर 1 महीने के लिए उन छात्रों को निकाल दिया जाए पास आउट के तहत और फिर वापस उनको आके फिर ज्वाइन करना रहता है हॉस्टल, तो 1 महीने के लिए वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के फिर घर जाएंगे, फिर वापस आएंगे फिर उसमें रहने के लिए, और 1 महीने में जो उनकी कोचिंग डिस्टर्ब होगी, जो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसलिए उनको निकाला ना जाए, और जो इनकी गिरफ्तारी की गई है उसके बाद मतलब छात्रों में जो आक्रोश हुआ था उसके लिए जो भी वहाँ गतिविधियाँ हुई हैं उनके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके मतलब उसको इग्नोर करके पुलिस प्रशासन को उनको छोड़।
अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के तत्वाधान में बुधवार को किसान समस्याओं के दौरान मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस की गोली से मारे गए 6 किसानों की स्मृति में किसान स्मृति दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान सभा के जिला अध्यक्ष कमला राय ने किया। सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड इम्तियाज बेग ने कहा कि मंदसौर में 6 किसानों को मारकर सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 जून तक पूरे देश में किसान आंदोलन चलेगा। किसान सभा के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रामजग ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों से जो वायदे किए थे सभी झूठे साबित हुए। कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण ही आज किसानों की कमर टूट रही है। सभा को संबोधित करते हुए CPI के कॉमरेड हामिद अली ने कहा कि सरकार अब भी नहीं जीती तो उसे किसान आंदोलन के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़ एफिलेटेड टू CBSE एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन क्लास नर्सरी टू क्लास 9 एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। वी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फ्रॉम आजमगढ़ सिटी, लेबोरेटरी, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, एक्टिविटीज रूम, लाइब्रेरी एंड प्लेइंग फील्ड, स्पेशल क्लासेस फॉर NTSC, ओलंपियाड, म्यूजिक एंड कराटे क्लासेस, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। एम्स ऑफ स्कूल टू फास्टर कैरिंग स्टेबल एनवायरनमेंट, प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट टू लर्न इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मैनर, टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ मोरल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज। आवर टीम वी सेलेक्ट क्रिएटिव एंड स्किल्ड टीचर्स हु इम्पार्ट क्वालिटेटिव लर्निंग। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़। नॉलेज इज पावर, वी गिव पावर टू योर चाइल्ड। वी आर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़। वी प्रोवाइड 360 डिग्री स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फॉर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8. Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Asimgarh. Aradhya Jewelers, अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप कटरा सराय आजमगढ़। शादी के गहने, पार्टी के गहने, डायमंड के गहने तो सोने चांदी के गहने, सब कुछ एक ही दुकान पर। आराध्या ज्वेलर्स, अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप कटरा सराय आजमगढ़। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, अरबी डिजाइन के डायमंड सेट, चांदी के बर्तन तो रत्नों का भंडार भी। राजकोट, बॉम्बे और दिल्ली के आभूषण भी चाहिए तो चले आइए आराध्या ज्वेलर्स, कटरा सराय आजमगढ़। 94-15-83-15-29। Sunbeam School Azamgarh, which aims for quest for excellence. Registration open. Admission forms are available. Sunbeam School Azamgarh is powered by Sunbeam EduServe. रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं आजमगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट। महानगरों की तर्ज पर बन रहे रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट का मानचित्र आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है।
शहर के मेन रोड नरोली पर बन रहे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपन। अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लब, एयर कंडीशन जिम, 3 हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा, सभी फ्लोर पर CCTV सिक्योरिटी सिस्टम, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, पार्टी और फंक्शन के लिए कवर्ड बैंकेट हॉल, बेहतरीन लोकेशन एवं पार्किंग की सुविधा, आसान मासिक किस्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध। करिए अपना सपना साकार, शहर में बताइए अपना आशियाना। फेस्टिवल ऑफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्क करें रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काली चौरा तिराहा, रैदोपुर, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ECG, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, सिटी स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टेस्ट, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, ऑल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, PFT एंड पैथोलॉजी। एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल ओनली एट प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।